सर्द वायदों के चट्टानों में भी दरारें आ जाएंगी, एक दफा जो ये समंदर मचला तो कई कश्तियां किनारों में डूब जाएंगी। गांधी को लेकर भाजपा और संघ का नया नवेला प्रेम क्या खूब उफान मार रहा है। पहले गांधी स्मृति में विहिप की बैठक को लेकर क्या खूब हंगामा बरपा। गांधी स्मृति में दो दिन तक ताले जड़े रहे। अभी ये विवाद ठंडा भी नहीं पड़ा था कि फिर उसी गांधी स्मृति को कुरेद दिया गया। मौका था गांधी स्मृति में प्रभाष परंपरा न्यास की गोष्ठी का, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर मुरली मनोहर जोशी को आमंत्रित किया गया और इसकी अध्यक्षता पूर्व गवर्नर टीएन चतुर्वेदी ने की। पहला विरोध तो जनसत्ता अखबार के पत्रकारों की ओर से आया। इनका कहना था कि उनके प्रिय संपादक रहे प्रभाष जोशी ने जिस बाबरी मस्जिद ध्वंस के विरोध में सबसे ज्यादा अलग जगाया था, उसमें प्रमुख वक्ता के तौर पर जोशी को आमंत्रित करने का क्या औचित्य है। खैर, ये गोष्ठी हुई पर बड़े पैमाने पर कुर्सियां खाली रह गईं और भरे मन से कई लोगों ने इस व्याख्यान माला में हिस्सा लिया। एनटीआई पॉकेट टीवी के लिए सुदीप रमन की रिपोर्ट। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।